बहस करनी है, बताइए। हाँ सर, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में मैंने आवेदन किया था, मैं खुद में वकील हूँ। तो सर मेरे को आधे नंबर से बाहर कर दिया गया था एमपी पुलिस में, जबकि मेरे दो प्रश्न में जो कि एक तो सही था और एक के चार ऑप्शन गलत थे। एक प्रश्न प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 97, जिसमें एक प्रश्न जो रीजनिंग का है वो पूरा सही था। मैंने ऑप्शन सही लगाए थे, चारों ऑप्शन सही थे। उसमें मैंने जो लगाया था उसका उत्तर मैंने सही दिया था। मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन उसके कारण उसको ना तो हटाया गया ना उसके मेरे को नंबर दिए गए। और मैथ्स का जो प्रश्न था परिमाप वाला 154 सेंटीमीटर, वो भी मेरा चार ऑप्शन गलत थे और वो भी नहीं हटाया गया, जिस कारण मैं आधे नंबर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल में फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। एग्जाम किसने करा था? पीएससी ने, व्यापम व्यापम जी, एमपीपी ने। हाँ जी सर, एग्जाम 2021 में इसका आवेदन किया गया था, 2022 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी फरवरी में, और 2022 में एंड में रिजल्ट आया था, 2000 मार्च 2023 में ज्वाइनिंग करवाई गई। पटू में एनए क्यों लिखा हुआ? सर एने मतलब है कि पेपर टू नहीं दिया, पेपर वन दिया है मैंने। पेपर टू वो देते हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से होते हैं, पेपर वन से के लिए मैंने आवेदन किया था और उसी की एग्जाम दी थी। फाइनल कटअप नहीं मिनिमम होता मार्क्स कितने थे आपके? आए हैं 72.5। फाइव और कितने में सिलेक्शन हो रहा था? कटअप हुआ 73 पे, 73 पर 73 पे। जी सर। उसके बाद इंटरव्यू होना थे। नहीं कुछ भी नहीं, मेरिट फाइनल मेरिट थी, लास्ट सिलेक्शन कितने पे हुआ? रुका है, 73 नंबर हुआ सर, 73 नंबर। कहाँ है वो लिस्ट? वो लिस्ट कटअप है ना, एक सेकंड पीपुर में तो नहीं है एक ये? सेकंड सर, मैं देख रहा आप किस कैटेगरी में है? सर। ईडब्ल्यूएस सर जी, मैं ईडब्ल्यूएस में लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है वो कितने नंबर पे हुआ है? 73 पर हुआ है, है? 73 73 नंबर पर कैसे पता लगेगा? उसका लगाया हुआ है। एक तो नहीं रहा उसमें कहीं? एक सेकंड सर, मैं कटअप ऑफ 28 29 देखना आपको कट ऑफ कट ऑफ लिस्ट मेरे पास कट ऑफ। नहीं, कट ऑफ नहीं होगा वो तो। मेरिट पे जो लास्ट नंबर होगा, कितनी सीट रिजर्व थी ईडब्ल्यूएस के लिए? 10% थी सर जी, तो 4090 पद थे, 400 पद रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, और 73 कट ऑफ गया मेरे पास। इसने लगाया हुआ आपने है एग्जाम के बाद आपत्ति की थी कि क्वेश्चन गलत है? जी सर जी, आपत्ति के लिए उन्होंने बोला था, आपत्ति की थी दोनों प्रश्नों पे, क्या आया ऐसा उसका रिजल्ट? क्या किया उन्होंने? कैंसिल किया है? उन्होंने नहीं किया, दोनों कैंसिल भी नहीं किए ना हटाए ना उनके नंबर दिए, जो उन्होंने माना था पहले वो ही सेम का सेम रहा। कहाँ है क्वेश्चन? वो कौन यस से क्वेश्चन है? कहाँ पेज नंबर 82 पर है, पेज नंबर 31 पर, 82 प्रेस, पेज नंबर 30। ये प्रश्न है रीजनिंग का, 82 प्रश्न, इसमें मैंने आंसर दिया था ऑप्शन बी जो कि सही है, मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन में भी किया, लेकिन उन्होंने व्यापम ने माना ऑप्शन सी। इसके मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन जो बुक आती है उसका रेफरेंस भी दिया है पेज नंबर 32 पर। इस टाइप का प्रश्न है पेज नंबर 32 पर, जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ सही होता है, कुछ आंसर आंसर वाला, और अंदर से बाहर आते हैं तो सभी वाला सही होता है, और यहाँ पर इन्होंने दोनों दोनों सही माने प्रश्न नंबर 82 में, क्वेश्चन कहां पर है? पेज नंबर 30 पर ये क्वेश्चन है? ये जी सर जी, रीजनिंग नीचे का। दिए प्रश्न में से तीन कथन दिए गए हैं, जिसमें से कथन प्रश्न यहाँ से कल चल हुआ है कथन से, से। हाँ कोई गुलाब फूल नहीं है, सभी अच्छा, फूल, कोई गुलाब फूल नहीं है। हाँ हाँ सभी फूल। सभी फूल फल है, सभी फल अंगूर है, ये हाँ तीनों कथन दिए, और इनों में से कौन सा सही है वो बताना अपने को। तो निष्कर्ष नीचे दिए दिए कुछ अंगूर फूल है तो, और सभी अंगूर फूल है तो कुछ अंगूर फूल है ये तो सही है कथन के अनुसार, लेकिन सभी अंगूर फूल है ये गलत है, और मैंने भी ऐसा ही उत्तर दिया था। केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लेकिन उन्होंने माना दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, जो कि मेरा सही है। ऐसे ही प्रश्न तो ये पेज 31 पे क्या है ये? 31 पे इसका सॉल्यूशन है, पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
अंगूर मतलब बाहर का सर्किल हुआ ना, हाँ जो उसके बाहर अंदर फल और फूल है, हाँ तो मतलब सारे अंगूर फूल होगा ना, अब तो जैसे कुछ अंगूर फूल है कुछ तो कैसे होंगे? अंगूर कुछ ये लॉजिक होता है इतनी में, जैसे कि मैंने बुक का रेफरेंस सबसे बड़ा सर्किल है, हाँ सबसे उसके बड़ा है, थोड़ा है अंदर ना, तो जो सबसे बड़ा होता है उसके अंदर जो होता है, तो बड़े वाला कुछ में आता है सभी में नहीं आता, और सभी अंगूर फूल है ये इस कारण ये गलत हुआ है, क्योंकि सभी अंगूर तो फूल हो ही नहीं सकते, वो तो सबसे बाहर है पूरे अंगूर, वो तो सभी हो ही नहीं सकते सभी रिवर्स अंगूर, बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो। नहीं सर जी जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ सभी अंगूर बाहर है ना, सभी फूल अंगूर नहीं होते, तो ऐसा उल्टा चलेगा इसमें। नहीं 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 सर ऐसा नहीं चलेगा, एक से हाँ माफी चाहता हूँ मैं गलत बोल हाँ रहा हूँ, बताइए बताइए, नहीं कह रहा हूँ हम जैसे आपका कि टेस्ट नहीं ले रहे, टेस्ट तो जिनको लेना था ले लिया और तो। जी सर जैसे कि इसमें दिया ना सभी फूल अंगूर है, तो सभी फूल जो फूल है ना वो तो सभी अंगूर हो सकते हैं, जैसे कि ये बुक का भी मैंने रेफरेंस दिया है पेज नंबर 32 पर, जिसमें दिया है सभी शाखाएं पत्तियां है, देखो तो उन्होंने ये सही माना, उस पर राइट लगाया, बुक का मैंने फोटो यहाँ पर अटैच किया है, टाइप नहीं किया हुआ, सेम पेज नंबर 333 पर है राकेश यादव की बुक में, और उसका सॉल्यूशन पेज नंबर 338 पर है, तो ये अंदर से जैसे कि सभी शाखाएं पत्तियां ये सही है, सभी पत्तियां शाखाएं है, ये बाहर तो से अंदर आपके हिसाब जाएंगे से तो जो सबसे अंदर होगा वो 100% होगा। सही होगा, हाँ 100% होगा। और जो बाहर होगा वो कुछ होगा, बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 32 पर ये गया ना, सभी पत्तियां शाखाएं हैं निष्कर्ष में, तो सभी पत्तियां शाखाएं हैं ये अंदर से मतलब बाहर से अंदर गया, तो ये गलत हो गया, बुक वाले ने भी गलत माना इसको, गलत ठीक है उसके आगे, इसी प्रकार मेरा भी। और एक और प्रेस ने जो कि पेज नंबर 834 पर है उसका सोल्यूशन, पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35 पर प्रेस ने मेरा, इसमें अपने को व्यापम ने जो प्रश्न दिया था उसमें परिमाप दिया था 154 सेंटीमीटर, और उन्होंने दिया था अपने को चार ऑप्शन ए बी सी डी, तो ए और बी जो ऑप्शन ऑप्शन दिए थे अपने को उनका टोटल करके दो का गुना करते हैं तो परिमाप निकलता है, जो कि चार ऑप्शन से एक से भी मीट नहीं हुआ 154 सेंटीमीटर, पहले से हुआ 105, दूसरे से हुआ 151.2, तीसरे से हुआ 140.4, और फोर्थ नंबर से हुआ 90, यानी कि 154 उन्होंने जो परिमाप दिया था वो किसी से भी नहीं हुआ, चार ऑप्शन इस प्रकार गलत है चारों गलत थे, जी सर जी। नोटिस कर लीजिए, नोटिस नोटिस। सर दिया मैंने नोटिस पेज नंबर, अरे पिटीशन में नोटिस, अब जवाब आएगा उनका तब सुनेंगे, और सर जी एक और मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, अब कुछ नहीं, अब बाद में सुनेंगे, अब जवाब आएगा तब सुनेंगे। सर एक पेज नंबर 36 पर जो मैंने अभी आवेदन किया था वो डिसाइड नहीं किया उन्होंने, मैंने वहां पे अभी आवेदन दिया था, हाँ तो अब यहां से डिसाइड करेंगे ना, थैंक यू। ठीक, अभी रिप्लाई आने दीजिए उनका, तलवाना दे दीजिए, वकील साहब से कहना तलवाना दे देंगे। हाँ कलवाना कहना बहस हमने कर दी, तलवाना आप दे। ठीक है।